ठीक है जी। बट उससे पहले लिख ली इंसॉल्वेंसी है ना, लिख लिया ना, ठीक है पहले इंसॉल्वेंसी बात करेंगे फिर थ्योरेटिकल बात एक दो कर लूंगा। चलिए सपोज करो बच्चे दो पार्टीज हैं और ए ने बी बोला बच्चे सेल करी 5 लाख से, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल बना लेंगे जिससे कि सारी बातें सामने आ जाएंगी। ए ने बी को सेल करी और कैसे सेल करी बच्चे, बचा बचा ऑटो भी खाते ही रहते ठीक है, और क्या सेल करी है बच्चे, क्रेडिट सेल करी, बहुत अच्छी बात है सिर्फ। और भाई बी ने पता है क्या करा, बी ने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, बहुत अच्छी बात है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज 1, बिल ऑफ एक्सचेंज 2, एक बिल नहीं दिया, हालांकि देने को तो बिल ऑफ से एक ही दे सकता था, ठीक है, पर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज दिए, कह रहा सर जी 2 बिल बना दो ना, ढाई ढाई लाख के 2 बिल बना दीजिए सर, तो हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ढाई ढाई लाख के 2 बिल बन गए। अच्छा सर टेन्योर क्या है बच्चे, एक बिल का टेन्योर है 3 मंथ्स और एक बिल का टेन्योर है 4 मंथ्स, और सर जी सेल कब करी है, आज की डेट ले लेते हैं, टुडे इज 18th ऑफ सितंबर, और क्या मैं कह सकता हूँ ए के पास 2 बिल रिसीवेबल आ गए। ए ने क्या करा, मिस्टर ए डिस्काउंटेड द बिल, बिल नंबर 1 एट अ रेट ऑफ 12% पर एन, रेट बोले तो भाई अगर बैंक के पास डिस्काउंट कराओगे तो बैंक भी तो डिस्काउंट चार्जेस लेगा ना, तो 12% डेबिट बिल नंबर 1, और जो बिल नंबर 2 है इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी, बहुत अच्छी बात है सर। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेच्योरिटी की, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चे मेच्योरिटी की, तो डेट तो देख ही लेंगे, ऑन मेच्योरिटी बिल नंबर 1 ऑनर्ड, एक बात बताओ बिल नंबर 1 के लिए कौन जाएगा, ए जाएगा या बैंक जाएगा, ऑब्वियसली बैंक जाएगा भाई, 3 महीने बाद बैंक गया, क्लियर हो गया। और रही बात जो बिल नंबर 2 है वो हो गया भाई साहब डिसऑनर्ड, 4 महीने बाद जब पेमेंट हुई पेमेंट वाला देना है तो डिसऑनर हो गया, और ये लिखा जा रहा है लास्ट पॉइंट, मिस्टर बी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसे इन अ रूपी वुड बी ओके। तो ये कहानी बन गई है बेटे, ठीक है, और हमने क्या करना है सर जी, वैसे तो हम दोनों की एंट्री भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो आइए पहले ए की एंट्री डालते हैं, जरूरत लगेगी तो देखेंगे बी की एंट्री डालनी नहीं डालनी क्या है, ठीक है, तो आइए मिस्टर ए की एंट्री डालने में 7 दिन है बेटा, मुझे बताइए सबसे पहली एंट्री कब डलेगी, जिस दिन सेल हुई है विच डेट, डाल दो इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी बाकी ठीक है। सो बेसिकली मिस्टर ए सबसे पहले कौन सी डेट को एंट्री डालेगा बच्चे, 18 9 को, 18 9 24 आप मुझे बता दीजिए क्या एंट्री डालेगा ए, बी टू सेल्स ओके,
बीटू सेल डाल दी सर जी, कितने रुपए की? 5 लाख। मेरा आपसे सवाल, जिसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिए हैं आपको, कौन से दिन दिए हैं? लिखा हुआ एग्जीक्यूट का वो है, तो सेम डे ही ले लूंगा। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जन्म कब हो रहा है? 18 मई को ही हो रहा है ना? तो आप मुझे बताइए 18/9/24 को कैसे एक बिल्ड सेवेबल 1 आ जाएगा ₹2 लाख का, और एक बिल्ड सेवेबल 2 आ जाएगा ₹2.5 लाख का, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? 2B। पेपर तो में नहीं, 2 बिल बना दिए थे ना मैंने यहाँ, तो तू अलग अलग बना ले, एंट्री एक साथ था ना, मैंने एक साथ नंबर बट सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, नंबर कट जाएंगे। ठीक बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए कौन सा वाला बिल डिस्काउंट करा है बच्चों? फर्स्ट वाला कौन से दिन? और नी लिखा था उसी दिन ले लेंगे ना सर। तो बेसिकली 18/9 को ही एक चीज का ट्रीटमेंट हो जाएगा बेटा, और किस चीज का? बिल रिसीवेबल नंबर 1 का। सर जी कुछ ना कुछ पैसा बैंक में आ जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट का खर्चा हो जाएगा, और BR1 आपका बंद हो जाएगा। BR1 तो 2.5 लाख का है बेटे, पता ही है बात तो, लेकिन मुद्दे की बात ये हुआ भाई कि डिस्काउंट कितना लगेगा? 12%। 12% किस चीज के ऊपर? 2.5 लाख के ऊपर 12% पूरे साल का? नहीं, उसका टेन्योर क्या? 3 महीने, क्योंकि बैंक तो आपको 3 महीने पहले पैसा दे रहा है ना, बैंक को 3 महीने बाद मिलेगा, वो आपको भी दे रहा है, तो बेटा 3 मंथ्स का लगाओगे ना बेटे। कितना रहे बच्चे? 2.5 लाख का 12% 3 मंथ्स, कितना रहेगा? कैलकुलेट करके बताना कितना। 7500 7900। 7500 7500। ओके अच्छा तो जी ये 3/12 क्यों हुआ? दोस्त, बैंक आपको 1 साल पहले पेमेंट दे रहा है या 3 महीना पहले पेमेंट दे रहा है? सो 3 महीने पहले तो मैं फिर इंटरेस्ट भी तो 3 मंथ्स का ही लूंगा ना एज बैंक, आई चार्ज यू फॉर 3 मंथ्स में। और ओके आपके इस अकाउंट के पहले के 2,50,000 था, सो इट इज 2,42,500। तो क्लियर है यहाँ तक? ओके बस बेटे, ऐसे ही ऑफ ट्रैक बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी डिटेल हमें और बना लेनी चाहिए भी बेटे। 2 बिल ऑफ एक्सचेंज थे, बिल ऑफ एक्सचेंज 1, बिल ऑफ एक्सचेंज 2। आपको ध्यान है सबसे पहले हम निकालते थे डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल क्या है इन दोनों की? 18/9 और 18/9 यही है ना। डेट ऑफ बिल में हम क्या जोड़ देते थे? टेन्योर, सो दैट इज 3 मंथ्स, एंड इन दिस केस इट इज 4 मंथ्स। जैसे ही आप ये 3 महीने जोड़ोगे क्या जाएगा भाई? ड्यू डेट, तो ये क्या आ जाएगी? 18th ऑफ दिसंबर, और ये क्या आ जाएगा? 18th ऑफ जनवरी। 4 ऐड करोगे 13 होगा, 13 तो कुछ नहीं होता ना बेटे। अब इसमें ग्रेस डेज कितने जोड़ोगे? तो मैं डेज वाले उसमें लिख रहा हूं, विच मीन्स मेच्योरिटी डेट क्या आ गई? 21st ऑफ दिसंबर एंड 21st ऑफ जनवरी। ये बात आपको समझ तो आनी चाहिए ना बेटे, क्योंकि डेट्स के साथ ही सॉल्व होगा ना क्वेश्चन। ये क्लियर है बच्चे सब? अब आप मुझे बताइए, अगर आपका बात क्लियर है तो 18/9 के बाद क्या करना जिंदगी में? नेक्स्ट एंट्री कब करनी? पहले कौन सा बिल मेच्योर हो रहा होगा? 21/12, तो ऐसे ही लिख रहा हूं बस, 21/12। 21/12 को कुछ करना ही नहीं, बैंक जाएगा पैसे ले लेगा और पैसों से मिल भी गए, अच्छी बात तो ये है। तो क्या मुझे कोई एंट्री डालनी? कोई एंट्री डालनी, क्योंकि बैंक ने तो पैसे रिसीव कर लिए ना बच्चे। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, जो सेकेंड बिल है उसकी बात कब से स्टार्ट होगी सर? 21 जान ग्रेस डे जोड़ के करेगा ना, मेच्योरिटी डेट पर बात करेगा ना।
और आप मुझे बताइए मेच्योरिटी डेट कब है? 21st ऑफ जानवरी। और मेरा आपसे सवाल, आप पैसे लेने गए, क्या आपको पैसे मिले? नहीं मिले। लेकिन एक बात तो तय है, पैसे मिले या ना मिले, बीआर खत्म कर दूंगा मैं आज। और बीआर कितने से खत्म होगा? 2.5 लाख से। और दूसरी बात जो तय है ना बेटे, वो तय ये है कि अब मैं डेटर बना दूंगा किसको? सो नाउ मेरे को नॉलेज ये यूज करनी है आपकी। आपके सामने मैंने कितनी एंट्रियां डाली है? 4 एंट्री। किसकी बुक्स में? ए की बुक्स में। ए ने बी से कितने रुपए लेने हैं, क्या आप मुझे बता सकते? 5 लाख। 5 लाख। ए परेशान हो रहा है ना कि बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, क्या होगा, कितने रुपए लेना, हम दिला देते हैं। 2.5 लाख। और मैं आपको बता दूं, वो भी यार छोटे बच्चे हो बेटे, आप सोच रहे हो बस ऐसी ओरली बोल दो, हर चीज अकाउंट्स में एकदम फुल प्रूफ चल रहा है। बी से कितने लेने हैं, अकाउंट को डेबिट क्रेडिट का देख लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। वैसे आपका आंसर 2.5 लाख ठीक है, बट ऐसे जिंदगी में ऐसे नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 50 एंट्रियां डाल दूंगा ना, तो समझ नहीं आएगा किससे कितना पैसा लेना। अगर मैं इसे 10 बार और सेल कर दू, 15 बिल ऑफ एक्सचेंज बना दू, 4 डिसऑनर कर दू, बता दो क्या मुझे इमीडिएटली? बता पाओगे? तो उसके लिए मुझे किसके लेजर को यूज करना है? बी के लेजर को। पैसा किससे लेना? बी से लेना है ना। तो आप मुझे बताइए, आपने एंट्री वाइज बी को सबसे पहले क्या करा? ही बिकम्स योर डेटर। व्हेन यू डेबिट समबडी, दैट पर्सन बिकम्स योर डेटर। कितने का डेटर बन गया भाई? 5 लाख। फिर आपने बी को क्या कर दिया? 5 लाख से ही 0 हो गया भाई, 0 हो गया उसका। अगली एंट्री में बी का कहीं नाम नहीं है, उससे भी एंट्री में कुछ लिखा ही नहीं हमने। लास्ट एंट्री में आपने उसको दोबारा से क्या कर दिया? नेट नेट दो 2.5 लाख से डेटर बना हुआ, और मैं उसे अगर फोन करके उससे पैसे मांग रहा हूँ तो कितने रुपए मांगूंगा उससे? 2.5 लाख। आई हैव द एविडेंस, आई हैव द लॉजिक विद मी कि 2.5 लाख क्यों? देख ले बैलेंस चल रहा है 2.5 लाख का। मुद्दे की बात यह है, क्या वो आपको सारे पैसे दे रहा है? जब वो इंसॉल्वेंट हो गया, लास्ट में लिखी है मिस्टर बी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसे इन अ रुपी, कुछ भी लिखा हो, मतलब अगर 1 रुपया लेना था उससे तो कितने मिलते बच्चे होंगे? 60 पैसे। कहने से दैट 60%, तो 2.5 लाख का 60% बता दो ना, उससे लेने तो 2.5 लाख है मैंने। तो बैंक में 2.5 लाख का कितना परसेंट रिसीव करूंगा? 60। कितना है बच्चों? 1,50,000। बी को खत्म कितने से करो? खत्म तो सेटलमेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया भाई, समझ? 2,50,000 बचा हुआ, बस डूब गया भाई। कैसे बैंडिट्स सर उसके घर जाके पैसे ले लेंगे, उसका सामान बेच देंगे, ऐसे नहीं होता बेटे। जब एक इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके घर के एसेट्स भी खत्म हो चुके। अगर एक इंसान इंसॉल्वेंट है ना, और अगर उससे आपने अपने पैसे मांग लिए, तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा लॉ में लिखा हुआ। अगर मैं गवर्नमेंट से या कोर्ट से लिखवा रहा हूँ कि वो लोग बहुत परेशान कर रहे हो, पैसे नहीं है, तंग कर रहे, आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, घर पे जाके देख लो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो अगर इंसॉल्वेंट का सर्टिफिकेट है, आप पैसे नहीं मांग सकते मुझसे। क्लियर है बच्चे? ओके, अगर आपको ये बात क्लियर है, तो क्या आप मिस्टर बी की बुक्स में एंट्री डाल पाओगे? डाल दीजिए एक बार फटाफट, और फिर आगे बढ़ा देंगे बात, है ना? मिस्टर बी की बुक्स में डाल देना बच्चों, पहले वो परचेज करेगा, फिर बिल्स पेबल क्रिएट होंगे। एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर आप वो लास्ट वाला रिपीट करोगे? मेरे में थोड़ी वॉइस क्रैक हो गई थी। लास्ट वाला ये था दोस्त, मतलब आपको मेन एंट्री का ये था, आपको ये समझ आ रहा है? बैंक में 1.5 लाख आएगा दोस्त, यस सर।
ठीक है, और मिस्टर बी का अकाउंट कितने से चल रहा है? 250, तो वो तो पूरा खत्म करूंगा ना भाई, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट है, यस सर। बचा हुआ तो पैडेड हो गया ना भाई। और एक बार अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आप उससे टेक्निकली पैसे नहीं मांग सकते, ये मैं जनरली बता रहा था। ठीक ओके सर। डेफिशिएंसी वर्ड यूज होगा, द वर्ड इज डेफिशिएंसी। आपके फर्स्ट क्लास में उस क्या नाम है, टेफ, ये अलग है, अलग है। अच्छा वो पहले से आ रहा है ना, ये आपके आपके नाम कुछ अनीश, अनीश पर गई थी मैम, सर अनीश हो गया, मारा गया था भाई तू। आगे सर आप एक कैसे आ गए? बार बता, बी पैसे देगा तो तू बैंक पैसे देगा ना, बी तो तू बैंक को जाना, कितने तो रुपए से? 1.5 लाख। ए कितने रुपए से क्रेडिट होना बेटर? 2.5 लाख से, तो उसे खत्म तो पूरे से करेगा। ए डेबिट 2.5 लाख, तू बैंक 1.5 लाख, गेन हो गया आपको। तू डेफिशिएंसी, जब एक बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको बाकी जो बैलेंस होता है उसको खत्म करता है। तू डेफिशिएंसी बना देता हूँ मैं एंट्री। ओके ये देखते हैं एक बार जरा फटाफट, बी की बुक्स में हमने सबसे पहली एंट्री डाली होगी परचेज टू ए, पांच लाख। अच्छा फिर क्या डाली होगी सर जी एंट्री? डाली होगी बिल्स पेबल बना होगा ना, ए टू बी पी 1, टू बी पी 5 लाख, 2.5 लाख। चलिए फिर बेटे, जब डिस्काउंट कराया तो बी थोड़ा डालेगा कोई एंट्री, और जब ऑनर होगा बच्चे तब ऑनर होने पे, आई मीन फर्स्ट बिल ऑनर हो गया था ना, मेरा आपसे छोटा सा सवाल, जब ऑनर हुआ तो ये क्या एंट्री डालेगा? बी पी 1 2। ओके और फिर 21 जनवरी को ये जो बिल था वो ऑनर हुआ डिसऑनर? तो भैया ऑनर हो या डिसऑनर हो, बीपी तो खत्म होगा ही होगा, और ए कितने रुपए से क्रिएट हो गया? 2.5 लाख। एंड फाइनली यू आर पेइंग ए, और आप बोलोगे ए तेरे को तो खत्म कर दूंगा मैं, 2.5 लाख से तेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। और उसको पेमेंट कितने की करी है? 1.5 लाख की। आप मुझे बताइए कि आपको फायदा हो रहा है? नहीं होता, बिल्कुल हो रहा है भाई। आपकी जिंदगी में लाइबिलिटी कितनी की बेटा? 2.5 लाख की। और आप उसको सेटल कितने में कर रहे हो? 10% गेन। और उस गेन को जब आपका बैंकरप्सी हो जाता है तो उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं बच्चे, उसको बोला जाता है कि डेफिशिएंसी। कितने रुपए से? 1 लाख। ये सब क्लियर है? वेरी 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 गुड, खत्म कर देंगे बेटे यार चैप्टर को, यहां तक क्लियर है ना सबको? चलिए मैं आपकी छोटी सी बात सर, है बस। आपने डिसऑनर के टाइम आपने BP1 लिख दिया, शायद BP2 की जगह। चलिए एक बात बताओ, थोड़ा सा थ्योरी की बात कर रहा हूं, जब भी बिल जीवित होता है, आई मीन जब भी डेट ऑफ द बिल होता है, मान लो मैं आपको आज सेल कर रहा हूं तो जनरली उधारी पे कर रहा हूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी आज ही बनेगा। तो क्या डेट है जी आज? 18th of September 2024। और मान लो अगर जो बिल है उसका टेन्योर है 3 मंथ्स,
क्या मुझे ड्यू डेट बता सकते लिखना लिखना मत इसको एडी पर सिंपल 18 तो 18 से 18 ही होगा है ना, क्योंकि साल कब खत्म हो रहा है, यानी 3 महीने कब खत्म हो रहे, 18 को खत्म हो रहे, महीने वाले कॉलम में जोड़ूंगा ना मैं तो। और अगर बेटा बिल 12 महीने का होता तो रादर देन 3 मंथ्स की जगह अगर मैं बोलूं 12 मंथ्स, तो आप क्या कहते हैं 18/9 से लेके 18/9/2000। इंश्योरेंस में चीज हुआ तो ये इंसॉल्वेंसी नहीं है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो आपसे पूछने के बाद उसमें ये चीज हुआ है ना रिपोर्ट हो जाती बोम डाल देगा। सर। हाँ जी बिल्कुल, सर इसमें हम 17 नहीं लेंगे क्योंकि उस जैसे पे भी आऊंगा अभी, नहीं उस पे से अभी तो नहीं लेगा, एक सेटअप है फिर आऊंगा। तो इसका मतलब जो चीज आपके हिसाब से जो आपने लिखा है, मैंने भी बताया वैसे आपको, जो चीज 18 को स्टार्ट हुई तो 1 साल खत्म भी कब हो रहा है बेटा, क्योंकि 12 महीने का मतलब क्या है, 1 ईयर। तो अगर आज 18 है तो अगर मैं बोलूं आज की डेट में 1 ईयर जोड़ो कि 1 ईयर खत्म कब हो रहा है, तो कब खत्म हो रहा है, यही बात है ना। 18 आज है, 1 साल जोड़ूंगा तो 18 आ गया, यानी कि सर 1 साल खत्म हो गया। मेरा आपसे सवाल, आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 जनवरी 24 है ना, तो खत्म कब होगा, 1 साल बाद। ऐसे बोलो, ऊपर लॉजिक तो तुम डेट सेम चलाते हो, जो चीज 18 वो 18 खत्म हो रही है, तो जो चीज 1 तारीख है तो इस बार न्यू ईयर पार्टी भी, इसका मतलब लोग न्यू ईयर पार्टी गलत मना रहे, लोग न्यू ईयर पार्टी 31 को मना रहे, होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और फिर आप सभी बच्चे ड्रिंक करना शुरू कर देंगे प्री सेलिब्रेशन बर्थडे जैसे। तो अगर कोई चीज 1 जनवरी को स्टार्ट हुई है तो वो तो आपके लॉजिक से तो खत्म भी 1 जनवरी को हो रही है, तो जो न्यू ईयर पार्टी लोग 31 को मना रहे वो गलत मना रहे। तो इस बार जब आप न्यू ईयर पार्टी मनाओ तो आप 31 को मनाओगे या 1 तारीख, क्योंकि साल को खत्म हो रहा है, व्हाई डू वी सेलिब्रेट, क्योंकि साल खत्म हो रहा है, और साल तो 1 तारीख को खत्म करना, क्योंकि जो चीज शुरू 1 को हो रही है खत्म भी 1 को हो रही है। आप नहीं बोला है, ये मैंने ऊपर का लॉजिक ही लगाया है। अगर 18 सितंबर में 1 साल जोड़ रहे हो आप और आप दोबारा बोल रहे हो 18 सितंबर, तो 1 जनवरी में 12 महीने जोड़ूंगा तो 1 जनवरी तो आएगा ना, और इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/24 खत्म कब होना चाहिए, 1/4/25 अकाउंट भी गलत चल रही है सारी, या 1/4/24 है तो खत्म कब हो जाता है, तो और उसी तरीके से हालांकि पहले मैं गलत ही आई मीन वही लिखता हूँ जो हम लॉजिक जो हम फॉलो कर रहे थे अभी तक 1/4/24 से लेके 1/4, बट क्या रियलिटी में ऐसा चल रहा है, नहीं चल। इस लॉजिक से तो आपका जो बर्थडे है, जैसे हम लोग जो आपका बर्थडे का बात याद ही नहीं आ रहा, जल्दी सोच सोच यार जल्दी बर्थडे याद नहीं आ रहा, फिर शादी होगी ना एनिवर्सरी भूल गया, गड़बड़ हो जाएगी बेटे, सही है तुमको बर्थडे याद नहीं आ रहा, चल आज मान लेते हैं बर्थडे पार्टी दे दे, ठीक है तब बर्थडे से बताना नहीं चाहता, नहीं मांगेगी पार्टी भाई, मार्च मार्च डेट भी नहीं बताएगा, धीरे धीरे करके बताएगा, 8th of March ठीक है, 8th of March अरे ये जो गूगल जो आधार कार्ड है जो आधार कार्ड में क्यों नहीं है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है भाई तुम्हारी जिंदगी, जिसमें जो एक्चुअल है वो नहीं है ये, ये वो नहीं है अच्छा
चलिए रियलिटी में क्या है बताएंगे यार, क्या हो गया भाई तू, मतलब तू काफी गड़बड़ लग रही है, तेरा केवाईसी देखना पड़ेगा मुझे। हाँ क्या है, आधार में तो बता दिया तूने, रियल में एक तो करता है एट, तो ये ये झूठ झूठ ही बोलता है। गियर बताइए सर, गियर एट देख क्या करोगे लास्ट? रहे, ये भी बता रहे सलोनी जी का एग्जाम कर दो, गियर की बता रहा है, भरोसा टूट गया ना तभी आपने ये पढ़े एग्जाम में नहीं देखा? बता रहा मुझे। हाँ जैसे सलोनी जी आपका कब आता है, 28 नवंबर ईयर 2006। ओ माय गॉड, जब भी मैं डेट ऑफ बर्थ का ईयर देखता हूँ लगता है कितने छोटे बच्चे हो, सारे 2006-5 के मैं साथ हूँ। साथ का। अब क्या बता रहे, जब पूछ रहा था बता नहीं रहा, अब क्या बना रही है 2007, आपको छोटे लग मतलब रहे? एक बार 6 के बाद तेरे को क्या लगा मैं शॉप कर दूँ, छोटा बना था मैं 2008 नहीं आपने है ना, का हूँ ब्रो, आप 2006 में तो बेटे हमने 12वीं पास करी। हाँ अब तो बताया नहीं, अब बता दो ठीक है। तो 28, तो सलोनी जी आपका अगर 28 को जन्म हुआ तो एक साल कब खत्म हुआ, एक अगर कोई चीज 1 तारीख को शुरू होती है तो वो खत्म कब होती है बेटे, 31। जिंदगी में तो यही चल रहा है ना, अभी कैलेंडर ईयर 1 को स्टार्ट हो रहा है, 31 को हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 1 को स्टार्ट हो रहा है तो 31 को खत्म हो रहा है, और हम यही बोल रहे हैं 1 साल पूरा कंप्लीट हो रहा है, या ये बोलते हैं 1 साल में 1 दिन बच रहा है, ऐसा थोड़ा ना बोलता हूँ, 1 साल कंप्लीट हो, तो आपको 1 साल कब कंप्लीट, 28 को आपका जन्म हुआ आपका 1 ईयर रोटेट कब हुआ, 28 को या 27। तो खत्म हो गया ना, 1 साल कंप्लीट हो गया ना, तभी तो बर्थडे होता है ना, हैप्पी बर्थडे, अब 1 साल ही हो गए, यही होता है ना, और आप मना कर रहे हो बर्थडे अपने, अलग आप सब बच्चे ही गलत ही मना रहे होंगे, आई एम श्योर। समझ में आ गया, समझ में आ गए, तू पहले डेट ऑफ बर्थ बता सर ठीक है, अभी हमने समझ गया आएगा। तो आप सभी बच्चों का जिस भी दिन बर्थ हुआ आप तो उसी दिन बर्थडे मना रहे हो, तो उस दिन आप 1 साल कंप्लीट कर रहे हो या 1 साल 1 दिन कंप्लीट कर रहे हो, सही तो अपना बर्थडे सही मना रहे हो या गलत मना रहे हो, बात है। सही मना रहे हो। अरे सर आप तो हमारे बेसिक बिलीव्स को ही गड़बड़ कर रहे हो, आंसर इज आप एकदम सही मना रहे हो, क्योंकि आप अगर 28 को आपका जन्म हुआ और मान लो आपका 28 को शाम को 6 बजे जाना, कैसे इतना कौन सोचता कौन से चार तारे आसमान में मिलेगा? ठीक है, अगर 28/6 को आपका जन्म हुआ तो बेटे 1 साल में तो 28/11/2007 5:59 पे खत्म हो रहा है, तो आपका जो 1 साल खत्म हो रहा है उसी डेट को ही खत्म हो रहा है, और आप अपना बर्थडे सही मना रहे हो। सही क्या बोल रहे हो सर, आप समझ आई ना क्या बोल रहे हो, आप बर्थडे सही मना रहे हो गलत मना रहे हो, मनाने ही नहीं आज के बाद, पहले इतना दिमाग लगाए कि मैं 1 साल खत्म हुआ नहीं हुआ, तो है सर बर्थडे में क्या हो गया, आप 28 को जब भी जन्म हुआ तो इससे 1 मिनट पहले तो 1 साल खत्म होगा, 1 सेकंड पहले तो 28 को ही हो रहा है। अब आप बताइए जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4 को शुरू होता है कितने बजे, सुबह के जो रात के 12 बजते हैं वो, और वो खत्म कब होता है इसे 31/3/11 बजे, अगर आपको लग रहा होगा ये सब बातें करने के मतलब क्या है ठीक है, बट अभी मैं पॉइंट में नहीं आया, अब बोलूंगी सर बिल ऑफ एक्सचेंज का बताओ सर आप, मतलब ये 18 है ये क्या है, अब आप मेरी बात एग्जैक्ट समझिए, अगर अब मैं स्पेसिफिक बोलता हूं, अगर कोई चीज 1 तारीख को शुरू होती है तो वो 1 दिन पहले खत्म होती है, फर्स्ट टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज पर लेकर आऊंगा बेटे आपको, अगर कोई 1 तारीख को खत्म हो रही है तो
31 12 को खत्म होगी। अगर कोई चीज 1 4 को स्टार्ट हो रही है तो वो खत्म कब होगी बच्चे? 31 मार्च को। तो आप ये बताइए सर, अगर कोई चीज 18 को शुरू हो रही है वो 17 को खत्म क्यों नहीं हो रही? उस लॉजिक से तो आप ये बोलोगे सर ये जो 18 है तो इसको भी 17 करोगे? मैं नहीं करूंगा। एक बार सुनिए, एक बार कंफ्यूज ना होइएगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सिस्टम बता रहा हूँ जो यूज होता है। अगर 18 9 में 3 महीने जोड़ता हूँ, 18th इज नेवर काउंटेड इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जिस दिन बिल बनता है 18 को काउंट नहीं करेगा। ये जो आपको 3 महीने जोड़ने हैं ना, ये 18 में ही जुड़ रहे होते हैं, ये 19 तारीख में जोड़ रहे होते। यानी कि यू आर नॉट काउंटिंग जिस दिन वो बिल बनता है। यानी कि आपकी गिनती जो है वो कहां से स्टार्ट होती है सर? 19। अभी देखेंगे। नहीं, उसी दिन करेगा इंसान। बिल आज बना 18 को, बट मैं 18 को काउंट नहीं करता हूँ। 10 ऑवर के अंदर काउंट नहीं होता है। आप गिनती कहां से स्टार्ट करते हो? 19 से। और अब जब इसमें आप 3 महीने जोड़ोगे, यू आर स्टार्टिंग ऑन 19, यू विल एंड ऑन 18th ऑफ। गिनती यहां से स्टार्ट हो रही है 18 से कि 19 से? 19 इज द फर्स्ट डे, तो उसका जो लास्ट होगा वो 19 नहीं हो सकता कभी भी, 18 ही होगा वो। अगर आप इसी यही तो लॉजिक है, अगर 1 तारीख को गिनते हो तो कभी एंड 1 नहीं होता, 1 दिन पहले होता। 1 तारीख को गिन रहे हो ना, 1 4 तो एंड 31 मार्च होता है। इसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज में 18 नहीं गिना जा रहा, 19 में 3 महीने गिने जा रहे हैं। 19 तारीख में जब आप जोड़ोगे तो एंड 18 ही आ जाएगा उसका, समझ रहे हो? तो बेसिकली 18 आ रहा है। और ले देके आंसर क्या है, 18 12 24। सर इतनी लंबी बात करें क्या हो जाएगा? आपको रीजन पता होने चाहिए। पेपर में सर हम ये सब सोचेंगे, ये सब नहीं सोचना आपको। आपके पास बिल डेट है, वैसे तो लॉजिकली काउंट नेक्स्ट डे से होता है, पर आप इतना क्या दिमाग लगाओगे वहां पे? जो बिल डेट है उसमें 3 महीने जोड़ दो, 18 से 18 हो, आंसर तो वही आ रहा है बेटे जो मैंने आपको सिखाया है, समझ लो। इतना लंबा रॉकेट साइंस हमें पेपर में थोड़ा दिमाग लगाया नहीं, बट वी शुड बी नोइंग इट कि इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द डेट ऑफ बिल इज नॉट काउंटेड, नेक्स्ट डे इज ट्रीटेड एज डे वन। और अगर नेक्स्ट डे डे वन है तो वो 1 दिन पहले खत्म हो जाएगी चीज। अगर आप 19 से गिन रहे हो तो 18, मुझे बताइए आपको समझ आई बच्चे? इसी लॉजिक से कोई भी चीज अगर 1 को स्टार्ट होती है तो 31 को ऑब्वियसली खत्म होती है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई यहां तक, पहले बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? नाउ लेट सपोज कि जो बिल है ना 29, अब आप ना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। डेट ऑफ बिल कितना है जी? 29th of January 24, एंड इफ आई से 10 ऑवर इज 1 मंथ, क्या आप मुझे ड्यू डेट बता? क्या 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं बता रहे हूँ। 29th of January 2023 डेट ऑफ द बिल, आज के दिन सेल करी, आज के दिन बिल बन गई। अब तुम ज्यादा मतलब वो 1 दिन आगे फिर 1 महीना छोड़ो उसको, सीधा सीधा उनको क्या करना होता है, 1 मंथ ऐड करना होता है। तो 29 जनवरी में 1 मंथ ऐड कर दो आप, आंसर भी क्या आएगा आपका, क्या आ रहा है? क्या आ रहा आंसर? 29th of February, डू यू हैव दैट डे? तो अगर नहीं है तो 28 तक है, 1 दिन और चाहिए, तो 1 मार्च पे चला जाऊं क्या, या मैं उस महीने के आखिरी दिन को ही काउंट कर लेता हूँ? उस महीने के आखिरी दिन को कर लूंगा भाई साहब। कहने का मतलब ये है ड्यू डेट आपका 28 फरवरी बैठेगा। आप कहीं ये ना सोचिए कि 1 मंथ के अंदर सर अभी भी 1 दिन बच रहा है, क्योंकि 29 से 29 होना चाहिए पर हमको तो 28 तक दिख रहा है, 1 दिन रह गया तो 1 मंथ नहीं होगा भाई। ऐसे उस महीने की आखिरी दिन ही उसकी ड्यू डेट हो जाएगी। आगे सुनिएगा, ग्रेस पीरियड, ग्रेस कितने लोगे बेटे? 3 दिन। अब आप मुझे बता दीजिए फाइनली मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी? 3rd of March ही आ जाएगी बच्चों, 3rd मार्च, 3rd को होगी ना, 4 को नहीं होगा। मैच्योरिटी डेट वाले दिन तेरे को पेमेंट करनी है। क्लियर है बच्चे? ध्यान से सुनिएगा बात, कोई भी 1 2 बातें हैं मेरे पास बोलने को। 29 जनवरी 23, अंदर 10 ओवर इज 30 डेज, डेज में दिया हुआ है, ये काम उस डेज को मंथ कर लो, ऐसा नहीं होता।
नहीं होता ऐसे। 45 डेज को आप 1.5 महीना नहीं बोल सकते, 60 डेज को आप 2 महीने नहीं बोल सकते। डेज मीन्स डेज, मंथ्स मीन्स मंथ, गड़बड़ हो जाएगी तो आंसर में फर्क आ जाएगा। 29 जनवरी में अब अगर आप 30 दिन जोड़ोगे तो अब आप मुझे बताइए क्या आंसर आएगा 30 डेज में जोड़ोगे। पहले ड्यू पहले ड्यू डेट बताओ कि जोड़ो कैसे, जनवरी के कितने दिन लोगे। डेट बताओ 30 डेज। पहले वो मंथ टू मंथ हो रहा था तो आप सीधा मंथ जोड़ रहे थे, पर अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि बिल कब बना 29, तो क्या सर होता है ट्वेंटी उसको एट 40 बोलते फरवरी हैं। तो जनवरी के कितने डेज हुए, 2 दिन। 29 नहीं ले सकता साहब जी, वो मंथ के लॉजिक से तो बाय डिफॉल्ट अपने आप आ रहा था आंसर आपका। 30 दिन में 29 काउंट नहीं कर सकते आप। कहने का मतलब है जनवरी के 2 दिन और फरवरी के, तो चांस की बात है भी वही आ गया, 28 फरवरी ग्रेस डेज जोड़ेंगे आप और क्या आ जाएगा। एक और कराना जरूरी है बेटा, 29 से 23, 60 डेज। अब आप बताइए क्या डेट है। विल आई काउंट 29 फर्स्ट? नो, जब डेज होते हैं तो मुझे लॉजिक से जाना पड़ेगा, 29 इज नॉट टू बी काउंटेड। तो अब आप मुझे बताइए जनवरी के कितने हुए बच्चे, सॉरी बात जनवरी के कितने, 30 और 31, 2 दिन। और उसके बाद फरवरी के थर्टी मार्च प्लस 30 दिन और आए तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा बच्चे, 20 मार्च। और जब मैं इसमें 3 दिन जोड़ूंगा तो फर्स्ट, एक तो 31 मार्च तो है ही अभी, और 2 दिन और, दैट इज 2nd ऑफ अप्रैल। क्लियर है साहब? लास्ट पॉइंट एक और कर लेते हैं बस प्रैक्टिस के लिए बच्चे, फिर नोट कर लेना इसको। मान लो 10th ऑफ अगस्त 23 है एंड इट इज 65 डेज। मिलेगा हम 10th अगस्त? नो। तो अगस्त के कितने दिन हो गए, 21। सितंबर के 30। टोटल कितने हो गए, 51 हो गए, तो कितने रह गए, 14 दिन। सो इट इज 14, और यही 14 को मैं यूज कर लूंगा। 14 तो क्या है, अक्टूबर आ गया, तो 3 दिन जोड़ दो ना बस इसमें, 17 अक्टूबर आ जाएगा। समझ आ गई आप? पेपर में सिर्फ पे आता नहीं है, बट स्टिल यू नेवर नो कब वो डेज के हिसाब से किस लेवल पे पहुंच जाए, समझो कितना डिटेल आता है। बस एक आखिरी बात देखूंगा क्योंकि आपने सुनी भी हुई है बच्चे। सर एक बात बताओ, हम लोगों को पेमेंट करनी कब बच्चे, अगर मैच्योरिटी डेट हॉलिडे हुआ तो क्या करेंगे सर, बैंक बंद है। हालांकि आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, सर्वर तो हमेशा चल ही रहे हैं, बट अगर मैं आपको फिर भी बोलूं पुराने जमाने के हिसाब से पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे क्या होता है, जैसे आप ये भी कह सकते हैं संडे हो गए, ठीक है बच्चे। और फेस्टिवल्स की ना लिस्ट होती है जिन दिनों में बैंक क्या होंगे बंद होंगे पब्लिक डीलिंग के लिए। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैच्योरिटी डेट वाले दिन पब्लिक हॉलीडे है तो मैं नेक्स्ट डे पे करूं या 1 डे प्रायर और नेक्स्ट प्रायर प्रायर, एक दिन पहले? क्यों भाई, पहले से पता नहीं था छुट्टी है, जो चीज पहले से पता उसे प्रीपो नहीं करो ना चीज को। तो बेसिकली आपको प्रायर वर्किंग डे पर दे। और अगर गलती से बिल बिल बन गया है और मेच्योरिटी डेट जो है उस दिन बैंक की स्ट्राइक है या अनफोर्सीन छुट्टियां चल गई, जैसे कोविड के लिए 14 दिन के लिए सब बंद हो गया था, तो क्या प्लान था पहले से बंद हो गया भाई एकदम से? इसी तरीके से आपको बैंक की स्ट्राइक भी होती है, क्यों होती होगी, क्या लगता है बैंक की स्ट्राइक कहते हैं हम नहीं आ रहे से? रिवर्स हाँ क्या है, रेपो बढ़ाने रिवर्स रेपो? नहीं, वो अपनी सैलरी की होती है, के पे कमीशन होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, दे एक्सपेक्ट की 10% 15, वो तो इंप्लॉय करता होगा ना बैंक बैंक्स के यूनियंस होते हैं एम्प्लॉयज, उनके लिए ना इलेक्शन होते हैं,
जैसे अभी आपके दिल्ली के इलेक्शन सेंटर में है ना, ऐसे 5 मिनट यूनियन के लिए, आप देख रहे हो ना कॉलेजेस के चल रहे, ऐसे कोर्ट में भी इलेक्शन होते हैं, तो वो लोग अपने कोई यूनियन बना के रिप्रेजेंट करता है, तो मैनेजमेंट से बात करता है ना, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर है उसकी बात टॉप मैनेजमेंट तक कौन पहुंचाएगा, सो बिटवीन द ट्रेड यूनियंस, ऐसे बैंक्स में भी होते हैं। मुद्दे की बात किया, अगर बैंक स्ट्राइक है तो क्या क्या होता होगा बच्चे, प्रायर या नेक्स्ट वर्किंग डे? ऑब्वियसली क्योंकि सर पता नहीं था एकदम से बंद हो गया, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर आप शिफ्ट कर सकते। आप मुझे बताइए क्या आपको यहाँ पर क्लियर है सर बच्चे? ओके तो इसको नोट कर लिया, चलिए नोट कर लो, फिर अपन लास्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटे, और फिर नमस्ते हो जाएगा ये चैप्टर। तो हाँ वो डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक रह गया था, वो अभी हम यार वो भी मौका लगेगा, एक दिन तो करते हैं, मेरे को ध्यान आया था है ना, करते हैं दोस्त। ओके सुन। क्या दोस्त हाँ क्वालिटी तो दैट वुड बी 29, पर 29 तो है नहीं ना, ओके क्लियर है ना किसी, क्लियर है ना कुछ, क्या करना बंद करना इसी, आगे क्वेश्चन सर। हाँ क्वेश्चन हाँ तो आ गया सर कोड दे दे, ये सीधे आ गए सामने तो दिया था, मतलब उसके लिए काम आया। वो पहले डेट ऑफ बर्थ बता, वो सर को ना नोटिस आया हुआ था कोर्ट से, मैं काफी प्रे कर रहा था जेल हो जाएगा, पर आ गए हैं बेटे। अभी आप सभी बच्चे 18+ हो गए, 17 और माइनर, अगर जैसे आप 18 के हो जाओगे तो वोट दोगे ऐसे, मतलब वोट किसको दोगे, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आपको आपको है जिसको मैं दूंगा जिसको मैं दूंगा, इतना आम आदमी को देते गाड़ी। भरोसा, इतना तो मुझे खुद पर नहीं है भरोसा नहीं। घर में आपके लोग पापा उन्हीं किसको वोट करते हैं, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? हाँ क्या कह रहे हो बोलती, क्या कह रहे हो? लेवल पे बीजेपी, एपी एपी, आम आदमी पार्टी देते हैं तेरे मम्मी पापा भी, वो बीजेपी को देते हैं लेवल बेटे, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है बेटी। पे। चलिए आइए कर लिया उन बच्चों ने, बीवी से आपको करना हो जो करना था मुझे, टेस्ट का करना है, टेस्ट फ्राइडे दे दोगे तो लोग एक्सटेंड भी दे देंगे, कह रहे हैं बच्चे बच्चे आपकी बात मानते हैं। आपके मन में, मैं समझ जाता हूँ बेटे, यही चाहते हो ना आपने आपकी पढ़ाई कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज का भी टेस्ट दो, यही चाहते हो थोड़ा सा यार? डेप्रिसिएशन तो यार ये क्लास रह रही है, कुछ भी नहीं बदला था, रिवैल्यूएशन रहता है। हाँ इवोल्यूशन ऑफ थोड़ा फिर भी मैं कंपैरेटिवली इजीयर दे दूंगा, सर, कोशिश ना कम दोगे तो मार्क्स वगैरह देना, और ज्यादा दोगे तो फिर दो दो कौन ढूंढ के दे देना क्वेश्चन मेरे को कौन से देंगे। से सर? नहीं जैसे मॉर्निंग में आपने वो बताओ। अच्छा
आइए नोट कर लिए बच्चों ने। ओके लास्ट टॉपिक बेटा, एंड द लास्ट टॉपिक इज एकोमोडेशन ऑफ बिल्स। सर जी ये क्या है बेटे? कुछ नहीं है इसके अंदर, एक प्री प्लान स्टोरी है। पूरा क्वेश्चन वैसे ही बनकर आता है और हमने जर्नल एंट्रीज डाल दी होंगी, समझ रहे? तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बिल ऑफ एक्सचेंज में। अभी तक आपने देखा था कि सेलर बायर रिलेशन होता है ना, कि एक सेलर होता है दूसरा बायर होता है, उधारी पे सेल होती है, भरोसा नहीं होता तो इसलिए क्या आ जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर एक इंसान है जिसको पैसे की जरूरत है, ही नीड फंड्स, और बी एक ऐसा इंसान है जिसको पैसे की जरूरत है। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों की बड़ी कॉमन रिक्वायरमेंट है, हर इंसान को पैसे की जरूरत है, कह सकता हूँ बिल्कुल। तो सर मतलब क्या करना है सर उन्होंने? तो ए एंड बी ने ना, दे आर नॉट सेलर बायर, ए इज नॉट सेलिंग एनीथिंग और बी इज नॉट बाइंग एनीथिंग, बट दोनों को क्या रिक्वायरमेंट है? पैसा चाहिए, टेम्परेरी, यार कहीं से फाइनेंस हो जाए, पैसे की जरूरत है। तो ए ने क्या बोला बच्चे बी को कि बी एक काम कर भाई, मुझे ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दे। मैं डेट्स के अंदर नहीं जाऊंगा, डेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कर ली, एंट्रीज करेंगे सीधा सीधा। तो बी को बोला कि तू ना 3 महीने का एक बिल बना के दे दे। आप मुझे बताइए एक ही बुक्स में ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाएगा? बी आर, क्या आप समझ पा रहे हैं ये बी आर बन जाएगा? और बी की बुक्स में बी, पर क्या बी इस बात को मान लेगा? बोले मैं क्यों बनाऊं बिल सर भाई, मैंने क्यों देने तेरे को पैसे, समझ रहे हो? तो ए ने समझाया कि तू समझा नहीं भाई, एक काम कर 1 लाख रुपए का बिल बनाते, ठीक है? तो ए के पास कितने का बी आर आ जाएगा? 1 लाख। ए कह रहा है मैं इस बिल को लेके जाऊंगा बैंक के पास और मैं करा लूंगा इसको डिस्काउंट, और जब मैं डिस्काउंट कराऊंगा तो बैंक मुझे पैसे देगा। बहुत अच्छी बात है जी, पैसे मिल रहे हैं। तो मान लो कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा? 98,000। और ये जो 98,000 आएंगे ये हम आधे आधे कर लेंगे ना हम, यानी कि रेशियो लिख दिया मैंने 1:1, यानी कि जब ए के पास 98 आए तो वो कितने बी को दे देगा? 49,000। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ आप सोच के देखिए। एक बिल्कुल सबल बना, ए के पास ही 49 आ गए, बी के पास भी 49 आ जाएंगे। दिस इज द प्लान। अब मुझे बताइए मेच्योरिटी पे कौन जाएगा, किसके पास? बैंक विल गो टू मिस्टर पे, कौन करेगा? बी। बी वगैरह ये भाई एक बात बता, जब 3 महीने बाद बैंक मेरे पास आएगा तो मेरी जेब से तो 1 लाख चले जाएंगे, तो ये गलत चिंता क्यों कर रहा है? जिस तरीके से अपने पैसे आधे आधे करें, लाइबिलिटी भी आधी आधी हो जाएगी। बैंक 1 लाख मांगने आएगा, आप मुझे बताइए अगर बी पूरा 1 लाख दे देगा बी को तो नुकसान हो जाएगा भाई? जब आप जो पैसा मिल रहा है वो आधा कर रहे हो, तो जो फ्यूचर में बैंक को देना है, बैंक को कितना देना होगा? 1 लाख। तो भाई 50,000 देगा बी, 50,000 देगा ए। नेट नेट आपके दिमाग में वर्किंग बन जानी चाहिए। ए को मिला कितना? अगर ये सारा प्लान ऐसे एग्जीक्यूट हो जाए 49, टोटल उसने रिटेन आया कितना? 98 आया उसके पास, 49 तो दे देना उसको, तो ए के पास कितना बचा? 49, और देगा कितना? 50। कितने का नुकसान? 1,000, डिस्काउंट ही तो है। रही बात बी की, बी के पास भी कितना आया मोटा मोटी? 49। पे कितना करेगा? 50। 1,000 का जो है डिस्काउंट का खर्चा है हो जाएगा। क्या एक तरीके का फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं? लेकिन यहां पर एक धोखा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑन मैच्योरिटी ध्यान से सुनिएगा, ए फेल्स टू पे
की गहरी बात लिखी हुई है, आराम से एनालाइज करें। इज इट डिसऑनर, कहीं डिसऑनर डिसऑनर नहीं है। नहीं, बैंक गया बी के पास, बी हैज पेड, मलिका बी हैज पेड, नो बी हैज पेड हाउ मच, बैंक देगा तुम आपस में क्या करो, मेरी क्यों कहानी करा है, मेरे को 1 लाख रुपए दे। इट इज नॉट अ केस ऑफ डिसऑनर, बी ने तो पेमेंट कर दी, लेकिन जब बी ने को फोन करा पैसे दे दे भाई, तो किसने फेलियर कर दिया, ए सर आप क्या बोल रहे हो। आइए बेटे दिस इज 50% ऑफ द क्वेश्चन, पहले हम इसकी एंट्रीज डालो, ठीक है बच्चे। आप ये जो डायग्राम बन रहा है ना, ये अभी और बनेगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाएगा और ए और बी की एंट्रीज कर दो। तो आप मुझे बताओ बच्चे, सबसे पहले जितना आप इन्वॉल्व रहोगे ना बच्चे, उतना आपको बढ़िया रहेगा। आप मुझे बताइए ए की बुक्स में क्या क्रिएट करूंगा मैं। बिल रिसीवेबल, वेरी गुड। कितने रुपए का बच्चों? 1 लाख का क्रेडिट क्या करो, गुड टू मिस्टर बी, एसेट आ गया भाई, और फालतू का एसेट आ गया तो ऑब्लिगेशन बी के नाम पे, मैंने तो मेहनत थोड़ा ना करी तो एसेट क्रिएट होगा मेरी जिंदगी। रही बात बी की, वो क्या डालेगा बच्चे, ए टू, ओके पहली एंट्री क्लियर है, ठीक है 10-12 एंट्रियां बनेगी, कंट्रोल रखिएगा क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट एंट्री क्लियर है, सेकंड देखिएगा क्या होगी सेकंड एंट्री, आप ही बताइए। गो फॉर डिस्काउंटिंग, तो भैया बिल्कुल डिस्काउंटिंग करा रहा है तो क्यों होगा भाई, बैंक में कितना आ जाएगा बच्चे, 98,000, डिस्काउंट कितने का करा दिया, 2,000 का, और ये जो बीआर है ये चला गया, क्रेडिट हो गया सर जी बैंक के पास। सर क्या इस चीज की एंट्री भी डालेगा, कुछ कुछ भी नहीं डालेगा, तो डालेगा बैंक तो मतलब ही नहीं बनता, सारे के सारे पैसे किसके पास आ गए। अब ए को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी ना, कितना परसेंट ही गिव टू बी, 51:1, ये रेशियो कुछ भी हो सकता है बेटा, 3:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, व्हाटएवर। अभी मैंने क्या रेशियो ले लिया बच्चे, 1:1, सो हाउ मच ए विल टेक, 49,000। तो आइए जरा एंट्री बना दो, तो सोच के देखो जब मैं पे कर रहा हूं तो टू बैंक कितना करूं, 49,000, वेरी गुड। अभी बोल दूंगा आ जाएगा समझ, ऐसे ही पूछ लेता हूं आपसे, बी को डेबिट करूंगा कितने से, 49 या 50, छोड़ो ना बी के दिमाग पे, आप इतना सोचो जब पैसा आधा आधा हो रहा है तो खर्चा क्यों मैं पूरा उठाऊंगा भाई। डिस्काउंट आपने कितने से रिकॉर्ड कर रखा है, 2,000 से, क्यों सारा खर्चा क्यों उठाओगे, जब पैसे आधे आधे हो रहे हैं तो खर्चा भी आधा आधा। तो भाई साहब ऐसा है, डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, आई हैव ओवर बुक्ड द डिस्काउंट, आई विल क्रेडिट 1,000, आई विल क्रेडिट हिज शेयर ऑफ डिस्काउंट, क्यों लॉजिकल बात है ना बच्चे। और बी को आप कितने से डेबिट कर दोगे जी, 50,000 की भाई, 50% कमिटमेंट हो गई है भाई, ऐसा नहीं है 49,000 की कमिटमेंट हुई है, 50% कमिटमेंट पूरी हो चुकी है। और अगर आपको समझ आ गया तो बी के एंट्री डालेगा बेटे, बैंक में 49,000 बहुत अच्छी बात है, एंड ही विल बुक अ डिस्काउंट ऑन ₹1,000, और क्रेडिट कितना कर दूंगा जी, ए को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से, बिकॉज ए हमारा डेटर था और 50,000 से वो कम हो गया सर। यहां तक क्लियर है बच्चे, अब आप मुझे बताइए ऑन मेच्योरिटी क्या होगा, ऑनर या डिसऑनर, ऑनर हो जाएगा। तो फोर्थ एंट्री जो मैं डाल रहा हूं वो डाल रहा हूं टेक्निकली ऑनर की, और ऑब्वियसली बी की एंट्री डालूंगा पहले, तो बी की एंट्री डालेगा बीपी टू, हाउ मच, ए डालेगा कुछ नहीं डालेगा,
पर जब बी ने ए को कॉल करा पैसे के लिए, तो क्या ए ने पेमेंट करी या नहीं करी? बिकॉज ए फेल्स टू पे मिस्टर, सारी बातें क्वेश्चन में लिखी होंगी। ये हो गया आपका 50% बार। क्या यहां तक बच्चों को समझ आई? पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर मैं लॉजिक, इसको लिखना मत, अगर मैं ए और बी की बात करूं, तो सबसे पहले ए के पास, मैं कैश की पोजीशन की बात कर रहा हूं, ए के पास कितना है मेरे? 98। उसमें से 49,000 निकाल के उसने बी को दे दिया 49,000, विच मीन्स इफेक्टिवली दे बोथ हैड 49,000 रुपीज कैश। बट ऑन मेच्योरिटी हाउ मच बी पेड? 1 लाख। ही इज हैड -51,000, क्योंकि भाई ने तो कुछ पैसा दिया नहीं, एंड ही इज एट +49,000। जस्ट कैश की पोजीशन बता रहा हूं कि उसको कितना मिला बच्चे, 49,000 मिला, और बी की क्या हालत है? माइनस में होगी। कितना अच्छा होता अगर ए इसको 50,000 दे देता, क्योंकि जब 1 लाख गए तो आधे आधे देने थे ना। सोच के देखो, अगर ये 50,000 देता तो -50 हो जाता, और ये क्या हो जाता? +50। क्यों नहीं होना देता? ओ भाई, पैसे आधे आधे, जब जाएंगे तो भी आधे आधे, तो उससे क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या आ जाती? -1,000, इसकी भी -1। ये आइडियल सिचुएशन, ये अगर अपनी अपनी कमिटमेंट ये पूरी कर। पर आप मुझे बताइए, क्या ए ने कमिटमेंट पूरी करी? नहीं। जस्ट मैं आपको इसीलिए बस दिखा रहा था, और कोई पर्पस नहीं है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई बच्चे। बी ने बोला कि यार धोखा किसके साथ हुआ बेटा, ए के साथ या बी के साथ? बी के साथ। बी ने बोला इसको दोबारा कर, उसको लगा कि ए ने धोखा दिया ना, एक बिल और बनाते हैं, और अब की बार क्या करेंगे, मैं अलग से बना देता हूं ए और बी, और अब की बार क्या करेंगे, ए तू मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे। सर कितने अमाउंट का बेटे? कोई लॉजिक नहीं है उस अमाउंट का। आपको क्वेश्चन देगा, मान लो एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, कितने का बच्चे? 50,000 का। और अब की बार बीआर किसकी बुक्स में बनेगा? बी, रिवर्स कर दिया मैंने। और ए की बुक्स में क्या बनेगा? पहले आप मुझे बताइए, आपको लॉजिक समझ आया कि मैंने रिवर्स कर दिया? अमाउंट के पीछे कोई लॉजिक वॉजिक ना आया, क्योंकि बी अब की बार क्या सोच रहा है, कि अब की बार जब डिस्काउंट होगा ना, और जब बैंक ए के पास जाएगा, और जब ए पे कर देगा, फिर मैं मना करूंगा। धोखा हुआ है ना बेटे, ऐसी बोल रहा हूँ कैसे आप? यही लॉजिक तो हो सकता है ना ये? तो मुद्दे की बात ये हो भाई, अब की बार एक नया बिल बना, कितने रुपए का बना बेटे? 50,000। आप प्लीज अमाउंट से कोई लॉजिक मत लगाइए, 50 का भी हो सकता है, 65 का भी हो सकता है, 35 का भी हो, जो मर्जी हो सकता है। अब मुझे बताइए, ये जो बीआर है ये किसके पास लेके जाएगा? बैंक के पास गया, येस बैंक के पास, और येस बैंक का पैसे किसको दे देगा? सारे के सारे ऑब्वियसली जो डिस्काउंट कराएगा। कितने दे दिए? 49,000। मुद्दे की बात ये हो भाई, बी अच्छा इंसान है बेटे, बी ने कहा यार सारे पैसे मैं क्या रखूंगा, थोड़े से पैसे दे देता हूं उसको। और बी ने क्या करा बच्चे? बी ने इसको 10,000 रुपए दे दिए। सर एनी लॉजिक ऑफ द अमाउंट? नो लॉजिक ऑफ द अमाउंट। आप ये कह सकते हैं, ए ने एक बी भी क्रिएट करा, बी के पास बी आर आया, बी आर को डिस्काउंट कराया, पैसे आए, उसने सारे पैसे मैं नहीं रखता, चल 5-10 हज़ार दे दूँ, दे दिए 5-10 हज़ार। अब आप मुझे बताइए, मेच्योरिटी पे क्या बैंक किसके पास जाएगा? तो बैंक विल गो टू ए, और अब मैं लिख रहा हूं ए पेंस टू पे डबल होगा, उसने सोचा था कि ये पे कर देगा तब नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, ए ने फिर डिफॉल्ट कर दिया, और अगर ए ने डिफॉल्ट करा तो बैंक किससे पैसे भेजेगा? दोबारा चले बेटे पैसे।
हो गया ना, दो बार होगा। और इस क्वेश्चन की आखिरी लाइन अभी नहीं लिखते, चलो चाहे वो आखिरी लाइन ये होगी, नीचे लिख देना वैसे, ए बिकम्स, ये हो गया मेरे दो का नंबर 3। तो बी जो सोच रहा था कि अगली बार जाल मैं बिछाऊंगा, मैं धोखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ए ने फर्स्ट लेवल पे भी डिफॉल्ट कर दिया, सेकंड लेवल पे डिफॉल्ट कर दिया और इंस्टॉलमेंट कर दिया। आपको यही पूरी की पूरी कहानी इनवर्ड्स बनी हुई आएगी। अब आप मुझे बताइए, ये वाला तो पोर्शन कर लिया था हमने, अब हम एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे बच्चे, एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाला। अब आप मुझे बताइए कितने का नया बिल बना था बच्चे। तो मैं बेसिकली कलर चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू गेट टू नो, ये फर्स्ट वाला चल रहा था, सेकंड है। अब की बार बी आर किसकी बुक्स में, ओ बी की बुक्स में कितने का, 50 रुपये। और क्रेडिट कितने से करूं, आई मीन किसको करूं, बी आर टू ए, फालतू गए है ना, क्योंकि मैंने कोई सर्विस गुड्स थोड़ा ना बेचे हैं, तो मैं सेल बिल क्रेडिट तो उसी को करूंगा। और ए के डायरेक्ट एंट्री बी टू, बी 50,000 और 50,000। बताइए पहले यहां तक क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है? ओके अब आप मुझे बताइए सर, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सर जी। बी के पास बी आर आ गया, अब क्या करेगा वो, डिस्काउंट कराएगा ठीक है, डिस्काउंट कराता है जी। तो आई एम सॉरी, क्या एंट्री डालू बच्चों डिस्काउंट की, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू, बैंक में कितना डिस्काउंट 1,000 35,000। और अभी तो ऑब्वियसली इसको नहीं दिया, अगली एंट्री में दूंगा डिस्काउंट की एंट्री क्लियर। वो भी द नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट एंट्री की वजह से नेम करा रहा हूँ, ये सब चीजें तो आप अभी भी एनालाइज कर पा रहे। इसने कितने रुपए उसको दे दिए, 10,000। तो बी के एंगल से एक बार डालते हैं एंट्री टू बैंक, हाउ मच, 10,000 है ना बच्चे, टू बैंक हो गया कितना 10,000। मेरे आपसे सवाल है, ये जो नया बिल है इस पे डिस्काउंट चार्जेस कितने के, 1,000। तो ये 1,000 सारा का सारा बी का शेयर है, ये आप रेशियो यूज कर रहे हैं, आप रेशियो वेशियो यूज मत करिए। आप ये मत सोचिए टोटल 50, टोटल 49 आए, उसमें से 10 उसको दे दिए, मतलब 39,000 मेरे पास बचे, ये सब मत करिए। आप जो डिस्काउंट का रेशियो यूज करेंगे वो ओरिजिनल रेशियो यूज करें, ये बात को मैं नोट में भी लिखवा दूंगा सर। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, क्यों हो रहा है ऐसा भाई, जिस रेशियो में पैसे शेयर कर रहा हूँ डिस्काउंट भी उसी में ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग कौन से रेशियो में कर रहे होंगे बेटे, ओरिजिनल वाले में, तो लिखवाऊंगा मैं आपको इस बात को। आप मुझे बताइए कि मैं कितना डिस्काउंट शेयर करूं उसके साथ, 500। सर ये कैसे आया बच्चे, टोटल डिस्काउंट था 1,000 एंड आई एम यूजिंग द ओल्ड रेशियो, आई एम नॉट यूजिंग कि कितना परसेंट मैं उसे दे रहा हूं इस बिल में, ठीक है। ये बात आप अभी आप समझ लोगे, 2 महीने में जब करते ना तो याद ही नहीं आ रहा, तो मैं एक नोट लिखवा दूंगा इसमें, यहां तक क्लियर है बच्चे। तो बेसिकली मैंने ए को क्या दे दिया, 10,000, और मैं बोलो भाई डिस्काउंट का भी तो हिस्सा ले ले अपना 500, और ए को क्या कर दूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा 10,000। ले साहब बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बता दो, ए क्या एंट्री डालेगा, बैंक में कितना 10,000, डिस्काउंट कितना 500, मिस्टर ए 10,000, 5,000। ठीक है, हाँ मिस्टर, ठीक है सर, ओके। तो लॉजिकली अगर आप देखो तो हमने क्या क्या कर लिया, बस खत्म होने वाले बच्चे, ये बिल हो गया, डिस्काउंट हो गया, पैसे दे दिए,
अब तो मेच्योरिटी पे आ गए, और आप मुझे बता दीजिए जब मेच्योरिटी पे बैंक गया किसके पास? ए के पास, उन्हें पैसे दिए तो भाई डिसऑनर की एंट्री तो डालेगा। इसकी बुक्स में क्या बना हुआ है? बीपी कितने से? 50,000 से। अगर ये पैसे दे देता तो टू बैंक कर देता, पर इसने नहीं करा, अब क्या करूं? गुड टू मिस्टर। और रही बात बी की, बी से तो बैंक पैसे लेगा नहीं लेगा, ठीक है तो जाएंगे लेंगे 50,000, ठीक है तो 50,000 जाएंगे जाएंगे, बुद्धे की बात ही है, डेबिट क्या करो, एक एक दोबारा डेबिट कर दूंगा। बोलो भाई तुम्हें पैसे देने हैं भाई, क्योंकि बैंक ने बी से तो पैसे ले लिए, और अब ये बी किससे रिकवर करेगा? ए से रिकवर। यहाँ तक क्लियर है? हम लास्ट पॉइंट पर आ गए। आप मुझे बताइए बी के साथ धोखा हो गया ना, बी ए को फोन करेगा पैसे के लिए? नहीं करेगा। इंसॉल्वेंट अभी छोड़िए ना, आप एक बार फोन करेगा कितना मांगेगा? आप अगर किसी इंसान को कॉल करते हो किसने पैसे नहीं देने, तो आपको अमाउंट पता होता है? नहीं पता होता कितना? क्या ए कभी भी कॉल करेगा दिवाली न्यू ईयर पे विश करने के लिए? यार छोड़ो, इसको कॉल ही नहीं करना है। और जो बी है वो हमेशा विश करेगा बेटे, पहले तो हैप्पी दिवाली बोलेगा पहले, उसके बाद पैसे की भी बात करेगा, कितने पैसे? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ओरली कर लोगे तो ऐसा नहीं, मैंने आपको तरीका बताया था, उससे बताइएगा। बी की बुक्स, बी अपनी बुक्स रेफर करेगा एक ही करेगा भाई, अपनी बुक्स रेफर करूंगा क्या मैं? आप मुझे बताइए, मैंने हर बार जब जब ए को डेटर बनाया मैं डेबिट बोलूंगा, जब जब क्रेडिट करा मैं क्रेडिट बोलूंगा, नेट बैलेंस आ जाएगा उतने पैसे लेने हैं मैंने, मुद्दे की बात यो है भाई। आइए जरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो किसकी बुक्स की बात कर रहा हूं बच्चे, मैं बुक्स ऑफ बी, और किसके बैलेंस की? इस बैलेंस। और आप मुझे बता दो सबसे पहली एंट्री मैंने ए को क्या करा? डेबिट, डेबिट करा ना आपने। अगली एंट्री में क्रेडिट। नेक्स्ट व्हाट यू डिड वाज 50,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री कुछ है नहीं, जब अकाउंट यूज नहीं हो रहा तो कहां से डेबिट क्रेडिट कर दोगे आप उसको? अगली एंट्री में क्रेडिट। ओके, तो अगर तुम सोचो पहली तीन एंट्री करने के बाद नेट इफेक्ट जीरो आ गया, पर कहानी पूरी तोड़ दो भाई। नेक्स्ट कितना आ रहा है बच्चे, कौन सा करा तुमने? बी आर टू ए करा ना। देन अब क्या करा आपने? ए को डेबिट करा, बोलो ना कितने से डेबिट करा? 10,500। 10,500 से डेबिट करा। ओके, और बताइए इसमें तो कुछ है नहीं, आई एम सॉरी। अब कौन सा रह गया? 50,000 से, और आपने क्या कर दिया बेटे? डेबिट कर। और कोई एंट्री डाली है आपने? सो व्हाट इज द नेट बैलेंस, कितना कितना है? ये तो वैसे कट ही गया था सारा का सारा, 7,500 70 का नहीं आ रहा, तो 6,500 आ गए, ठीक लिखा है ना मैंने? 6,500 है ना 60,000। जब मैं उसे कॉल करूंगा तो मुझसे कितने रुपये मांगूंगा? 60,500। और वो मान जाएगा कि यही बैलेंस है, या वो भी चेक करेगा? तो चेक करिए ना, ए की बुक्स में भी तो यही आना चाहिए कि मैंने बी को कितने देने हैं, 60,500। बेटे लेन देन के अकाउंट तो मैनेज होते हैं, कंपनीज में जॉब प्रोफाइल होती है, कल को आप जब CACM में बन जाओगे, रिसीवेबल मैनेजमेंट बोला जाता है। एक कंपनी ने 500 करोड़ रुपए लेने होते हैं कितने लाखों लोगों से, लाखों कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो यू हैव टू मैनेज दैट, टीडीएस कटना, इतना पैसा आया, क्योंकि व्हेन यू कॉल यू शुड हैव अ एग्जैक्ट अमाउंट ना कि आपने इतना लेना है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक्सेल शीट्स नहीं होते, एक बार चेक करना बच्चे मैच कर रहे,
ले देते फाइनल एंट्री बता दो, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो 60 पैसे ही ले लेते हैं उससे, ठीक है। जो हमने पिछले एग्जाम्पल में करा था, मान लीजिए यू आर रिकवरिंग 60 पैसा, आप मुझे बताइए कैन आई से ही हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 6500। नाउ यू टेल मी, बैंक में सारा थोड़ा आ जाएगा, 60% आएगा, मतलब 36,300 ये यार है। एंड मैं एक वो खत्म कितने से कर दूंगा बच्चे, 60,500 एंड आई डेबिट बैड डेट्स कितना है, 24,700। चौबीस और अगर आपको ये एंट्री क्लियर है तो बस एक ही बुक्स की भी एंट्री डाल दो, और नमस्ते होगी बेटे बोल सकते क्वेश्चन में दोनों की बुक्स में एंट्री करनी बोलूँगा, स्पेशली एकोमोडेशन के केस में, ये तो बड़ा आना और देखना आपने। हाँ 10, मतलब हम कह सकते हैं 15 नंबर का हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। हाँ मतलब एक ही बुक्स में आएगा तो दस मॉड्यूल में तो ऐसे दिया हुआ है, बट एग्जाम में हो सकता है सिंगल किसी की बुक में आता है। ठीक निकलिए। है ना, और एक ही बुक्स में क्या डाले बच्चे एंट्री। बैठ गई ओके, बी क्रेडिटर था उसको खत्म कर दिया सर 6550 से, बहुत अच्छी बात है सर जी, उसको पैसे दे दिए 36,300, बहुत अच्छी बात है। और आप मुझे बता दीजिए क्रेडिट और क्या करूं, डेफिशिएंसी अकाउंट दैट इज 24,000 यस, सही है साहब, एकोमोडेशन समझ आ गया। सर जी मैंने जो बातें इसमें बोलनी थी वो सारी की सारी डन। क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हाँ क्या दे रहे हो बेटे, करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं जानता हूँ बेटे आप मन में क्या सोच रहे हो, आप करना चाहते हो प्रैक्टिस। अच्छा, हाँ नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क दे दूँ। तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क तो होगा कभी करना ही नहीं होता ना, ये तो अनसेट रूल होता है। करोगे पक्का, इतने अच्छे बच्चे हो तुम। नहीं बेटे इतने अच्छे बच्चे होते ही नहीं है बेटे जो घर जाके होमवर्क करें। नहीं यार आप बहुत अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन तू तो रहने दे भाई, तूने आज ना सस्पेंस क्रिएट कर दिया दिमाग में, तेरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी पहले। नंबर करोगे क्या क्वेश्चन। अच्छी नहीं यार अच्छे अच्छे अगर मैं नहीं दूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। होमवर्क होमवर्क दे दूं आपको, लो बेटे भर भर के होमवर्क लो बेटे, आ जाओ आज क्या था बोलोगे नहीं सर होमवर्क मत दे, इतना होमवर्क दूंगा ना बेटे तुम्हारे, आओ बेटे। ओह मार्च जनवरी मई बस जनवरी। ओके आइए जरा, तो होमवर्क लो बेटे, चेक करूंगा कि क्लास में, ठीक है। खौफ है बेटे मेरे ऐसे, मैं सोच रहे चेक नहीं करूंगा, ठीक हल्के मतलब ना तो बहुत भारी आदमी हूँ, 80 किलो पारे तो हो। रिलेट कर रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क, ठीक ओहो टू करा होमवर्क करा दिए, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। होमवर्क 3 भी करा दिया था, फोर्थ होमवर्क, फोर्थ वाला ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ समझ ये वाला फोर्थ वाला है ना, एक दो एक पॉइंट बेस पे हो सकता है, आखिरी वाले में थोड़ा सा अटकोगे तो अगली क्लास में डाउट में पूछ लेना, अगली क्लास में देखेंगे इसको 2-4 मिनट के लिए बस। फिफ्थ होमवर्क ले लो सर, सिक्स्थ भी ले लो बेटे, तो सेवेंथ भी ले लो बेटे, एट्थ भी ले लो बेटे, नाइन्थ भी लोगे क्या, ले लो बेटे नाइन्थ भी ले लो, दो टेंथ तुम भी ले लो, क्या कह रहे हो करा तुम देंगे कर, आपको करा देंगे हम फिर काफी फ्रेंडली है।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे के सारे होंगे तो मुझे ऐश करोगे। ऑल क्लियर है, ज्यादा कोई लोड नहीं है, सारा आराम से कर लोगे। फ्राइडे को आपका टेस्ट रख लेंगे तीनों चैप्टर का। फ्राइडे है ना, तीनों चैप्टर का हो जाएगा ना। कौन से नहीं करे? वो हाँ, वो मैं क्लास भेज दूंगा। कोई बात नहीं, यहाँ बैठ के कनेक्ट करा दूंगा। ठीक है, मैं तेरे को क्लास दूंगा। नीचे मैं उनको बोलूँ कि एक रूम के अंदर लैपटॉप से कनेक्ट कर, पर टेस्ट जरूर देना। ठीक है, चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि फाइनल अकाउंट स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ पे ये हो रहा है ना, ऑनर तो हो गया था, बट बाद में ए ने बी को नहीं दिया था फर्स्ट केस में टोकन पे। जैसे यहाँ पे जो एक्मेडेशन जैसा जो क्वेश्चन था हमने जो भी किया एग्जांपल, यहाँ पे ये तो न्यू बिल का है, इससे पहले का ओल्ड बिल का था। यहाँ पे ए फेल हो गया था ना बी को पेमेंट करना, तो यहाँ पे वो उसकी एंट्री भी तो करेगा ना, उसकी एंट्री नहीं करेगा मान ही चला यार एक बार। ये क्या आज वाला क्वेश्चन है? हाँ, ये आज वाला क्वेश्चन है एकोमोडेशन केस का। यहाँ पे आपने बताया था कि फेल हो ए गया फेज क्या टू हो गया? फेज उसने थ्री बैंक आया, बिल। उसके पास उसने पे कर दिया। हाँ जो फेलियर की कोई एंट्री थोड़ी ना होती है। एक बंदा डेटर है, मैं अच्छा, डेटर को फोन कर रहा हूँ पैसे नहीं दे रहा, तो मैं उस चीज की एंट्री थोड़ा डालता हूँ। वो तो जब मैं बैड डेट फाइनली कर रहा हूँ तभी होगा ना। लेकिन जो फेल करता है वो तो डालता है, वो नहीं, क्या डालेगा? भी तो उसकी लाइबिलिटी डालता लाइबिलिटी रह रही है उसकी, है, बहुत क्या सारे करता है चेंज उसको? होगा ना फिर तो, अगर होगा तो। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन भी ऑल क्लियर। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीक में ले लेना। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीक में एक दो चैप्टर जो और हो जाएंगे वो वाला उस वीक में ले लेंगे। ठीक है, इस वीक में ये वाला ले लेंगे। ठीक है।